आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। हम आप बात कर रहे थे आपके विज्ञान विषय के जो लेसन नंबर 6 है उसके बारे में। तो इसके तीन पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले, अब आज बात करने जा रहे हैं इसके चौथे पार्ट की। यानी थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके प्रकार जो भी है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो प्रश्न ऐसे आता है कि इसमें से दो पार्ट में पूछा जाता है प्रश्न, एक पूछा जाता है अभिक्रियाओं के बारे में और एक उत्प्रेरक के बारे में। तो उत्प्रेरक ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, हो सकता है आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आज बात करेंगे इस उत्प्रेरक को पूरा करने की। तो बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्प्रेरक होते क्या है। तो देखते हैं उत्प्रेरक, तो देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग को बढ़ा या घटा देते हैं। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो धीरे धीरे हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं तो वो जल्दी हो जाती है। कुछ मान लो जल्दी जल्दी हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं तो वो धीरे हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही काम उत्प्रेरक का, या तो वेग को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, इतना काम करते हैं। खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिए उत्प्रेरक में खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ अभिक्रिया वेग को ये बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो देखते हैं इसके परिभाषा क्या है। तो ये है उत्प्रेरक की परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने मतलब बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। परंतु समय क्या कहते हैं, खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और एक बात और ध्यान रखें, इस घटना को क्या कहते हैं, ये जो घटना हो रही है उसे उत्प्रेरण कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा उत्प्रेरक की लिखनी है उसके आगे लिख देते हैं इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वनस्पति तेल होता है, इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वनस्पति घी बनता है, लेकिन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये कौन सा उत्प्रेरक है, निकल, यानी ये यहां कौन सा काम कर रहा है, उत्प्रेरक का, यानी इसको परिवर्तित करने में इसके वेग को बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी इसको परिवर्तित कर रहा है, तो ये वेग को बढ़ा रहा है। तो वेग को बढ़ाने के लिए क्या हो गया, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो उत्प्रेरक कैसे काम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, जैसे ये यहाँ उत्प्रेरक लिखा हुआ है। तो अपने बात की थी उत्प्रेरक के अंदर के जो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, तो ये इसके वेग को बढ़ा रहा है। अब देखते हैं इसके प्रकार, तो अलग अलग आधार पर इनको प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला है वो है अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, सामग्री उत्प्रेरक और दूसरा है विसामग्री उत्प्रेरक। तो ये दो प्रकार है, सामग्री उत्प्रेरक और विसामग्री उत्प्रेरक, देख लेते हैं क्या होता है। तो देखते हैं समांगी उत्प्रेरक, नाम से ही पता चल रहा है, समांगी मतलब समान और विषमांगी मतलब विषम यानी अलग अलग। तो समांगी का मतलब कौन सा होता है, तो प्रत्येक अभिक्रिया के अंदर दो तीन चीजें होती है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद और एक होता है उत्प्रेरक। तीन चीजें, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। अगर इन तीनों की अवस्था एक जैसी है, अवस्था मतलब या तो द्रव हो तीनों, या ठोस हो तीनों, या गैस हो तीनों, तीनों के तीनों कौन कौन से, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, अगर तीनों की अवस्था समान है, एक जैसी है, चाहे वो ठोस हो तीनों के तीनों, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, अगर तीनों एक जैसे हैं तो समांगी उत्प्रेरक। अगर तीनों में से एक भी अलग हो गया, यानी दो ठोस हो गए एक गैस हो गया, या तीनों ही अलग अलग हो, तो वो कौन सा होता है, विषमांगी उत्प्रेरक। तो देख लेते हैं इसके परिभाषा क्या और इसका उदाहरण क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक की परिभाषा। तो देखो क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक। और इस घटना को क्या कह देते हैं, समांगी उत्प्रेरण। इस घटना को क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। अब देखो ये उदाहरण है, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो देखो तीनों की अवस्था क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, उत्पाद ये उत्प्रेरक है, ये भी गैस है और उत्पाद है, ये भी गैस है।
तो तीनों की अवस्थाएं क्या है? समान है। गैस, गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो सारे गैस हैं, तो ये क्या हो गया? समांगी उत्प्रेरक। और विषमांगी में देख लेते हैं बस इसका उल्टा, तीनों समान नहीं हो, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक की अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या हो? भौतिक मतलब अवस्था कौन सी होती है? ठोस, गैर और गैस, तीनों अलग अलग हो जाए तो विषमांगी उत्प्रेरक। देखो जैसे ये नाइट्रोजन है गैस है, हाइड्रोजन है गैस है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक काम में लिया, ये क्या है? एस का मतलब ठोस है, तो ये ठोस हो गया, तो दोनों की भौतिक अवस्था क्या होगी? अलग अलग होगी, तो ये कौन सा हो गया? विषमांगी उत्प्रेरक। तो अब जो अपन देख चुके हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के कितने प्रकार थे? दो प्रकार, समांगी और विषमांगी। अब बात करते हैं इनकी क्रिया के आधार पर, यानी अभिकारक जो क्रिया करते हैं उनके आधार पर ये उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रकार है वो है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा जो प्रकार है वो है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा जो प्रकार है स्वतः उत्प्रेरक, और जो चौथा प्रकार है वो है जैव उत्प्रेरक। तो देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है चारों। तो देखो कौन कौन सी है, धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गए, स्वतः उत्प्रेरक इसके अंदर क्या होता है जैसे अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है, यानी दूसरे आपको उत्प्रेरक मिलाने की जरूरत नहीं है, जो उत्पाद बनेगा वही उत्प्रेरक का कार्य करेगा, स्वतः मतलब अपने आप ही, तो स्वतः यानी उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो गति को बढ़ाते हैं और कम करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैवों की जो रासायनिक अभिक्रिया उनकी गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो कौन से हो गए? जैव उत्प्रेरक। तो आइए देख लेते हैं इनकी परिभाषाएं क्या है। तो ये है क्रिया के आधार पर जो चार प्रकार बढ़े थे उनकी परिभाषाएं, तो देख लेते हैं एक बार इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग या गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। बस इतना याद रखना है धनात्मक क्या करते हैं? वेग को बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे ये SO2 O2 इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जैसे मिलाएंगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पहले धीरे धीरे हो रही थी और गति बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण जैसे आपसे समझाते हैं, जैसे आपसे दूध से पनीर बनाना है तो पहले इसमें सॉल्यूशन बनाए देंगे, दूध को फटने के लिए क्या है काफी टाइम लगता है, अगर उबलता हुआ दूध इसके अंदर नींबू की 3-4 बूंदे डाल देंगे तो वो काम जो 5-7 घंटे या 10 घंटे में होने वाला है वो सिर्फ 5-7 मिनट में हो जाएगा। तो ये देखो नींबू ने क्या काम किया, वहां अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, यानी जल्दी से दूध किसमें बदल गया? पनीर के अंदर। तो ये वहां ऐसे उस जैसे नींबू क्या काम कर रहा है वहां पर? धनात्मक उत्प्रेरक का, यानी वेग बढ़ा रहा है, तो वो हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे ये है H2O2, H2O होता है जल, ये H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके अंदर ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो ये धीरे 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 जल के अंदर बदलता है, यानी अभिक्रिया क्या होगी? धीरे होगी। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन लोहे पर जंग लगता है तो लोहे पर जंग लगने में क्या होता है? जैसे महीने 2 महीने में जंग लग जाता है अगर लगातार पानी में रहे, या भाप के जब वो पानी में वाष्प है उसके अंदर लगातार संपर्क में रहे तो क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर? कहते हैं ना प्राइमर लगा दिया, तो प्राइमर का मतलब क्या होता है? जिंक ऑक्साइड की क्या कर देते हैं? परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो जल्दी से जंग नहीं लगता है, यानी जो लोहे पर 3-4 महीनों में जंग लगने वाला था अब वो 4-5 साल तक नहीं लगेगा। तो जो धीरे धीरे अभिक्रिया हो रही थी किसके बीच में? जो वाष्प थी और लोहे की थी, उस दोनों के बीच जो अभिक्रिया हो रही थी धीरे धीरे हो रही थी, जो हो तो रही थी धीरे हो रही थी, और उसको धीरे कर दिया किसने? जो उसको जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ी है, जिंक परऑक्साइड की, तो जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। स्वतः उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्पाद बनते हैं वही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे ये एथिल एसीटेट है, ये सूत्र है एथिल एसीटेट, इन सूत्रों के बारे में 8वें पार्ट में अच्छी तरह बात करेंगे कि ये नाम कैसे हुआ एथिल एसीटेट। ये जल है, एथिल एसीटेट और जल मिलता है तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। तो ये अभिक्रिया होती है, थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है ना, थोड़ा सा बन गया तो ये खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है और फिर अभिक्रिया जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है। यानी ये एथिल एसीटेट है, ये खुद ही एसिटिक अम्ल है, ये खुद ही किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है।
ये क्रोधी किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। तो ये अभिक्रिया जल्दी करिए, पहले धीरे धीरे बदलेगा, थोड़ी सी मात्रा में ये एसिटिक अम्ल बन गया तो एसिटिक अम्ल जल्दी से इसको अभिक्रिया को क्या करेगा, गति को बढ़ा देगा। उसके बाद है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाने वाले। तो जीवों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अपना भी भोजन पचता है तो भोजन पचाने के लिए कौन सा आता है? HCl अम्ल मिलता है इसके अंदर। और भी बहुत सारे क्रियाएं होती है जीव के अंदर, जो अपन पाठ पढ़ेंगे, पहला दूसरा पाठ आपके विज्ञान का उसके अंदर आएगा। तो देखो, तो जीवों की गति को क्या कर देते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैसे एक अभिक्रिया अपने शरीर के अंदर क्या बनता है, जब भोजन बनता है तो माल्टोज बनता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज। तो ये जीवों की अभिक्रिया है, तो जीवों की जो भी अभिक्रिया होती है, जैव अभिक्रिया है, तो इसको इसमें बदल रहा है, इसकी गति को बढ़ा रहा है। तो ये माल्टेज किसका काम कर रहा है? जैव उत्प्रेरक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके चार प्रकार होंगे, इनकी परिभाषाएं होगी। तो अब देखते हैं, जो उत्प्रेरक है उनकी क्रियाशीलता, यानी उत्प्रेरक जैसे कार्य करते हैं उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो उत्प्रेरक के ऊपर काम करते हैं, उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाते और घटाते हैं। तो ऐसे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखो, पहला कौन सा है? उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा है उत्प्रेरक विष। ये दो प्रकार है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। देखो क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो उत्प्रेरक वर्धक कौन से होते हैं? इनको अभिक्रिया में मिला देते हैं ना थोड़ा सा, तो ये अभिक्रिया उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया में अगर अपन मिला देते हैं उत्प्रेरक वर्धक, तो ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी उत्प्रेरक के वेग को जो बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कौन से होते हैं? जिनको अभिक्रिया में मिलाने पर उत्प्रेरक के कार्य को क्या कर देते हैं? धीरा कर देते हैं, उत्प्रेरक के वेग को घटा देते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी उत्प्रेरक को कार्य को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो अब देख लेते हैं इनके परिभाषाएं थी जो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की। तो उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया के मिश्रण में मिलाने पर, यानी अभिक्रिया हो रही है उसके मिश्रण में मिला देते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाते हुए नहीं है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, जो वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, यहाँ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये अभिक्रिया हो रही है, देखो N2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, ये अमोनिया का सूत्र है। तो यहाँ ये तो कार्य कर रहा है उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक के साथ मॉलिब्डेनम मिला दिया, ये होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम मिलाने पर क्या होगा? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। ये है उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया के मिश्रण में मिलाने पर, यानी अभिक्रिया हो रही है उसके मिश्रण में मिला देते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो यहाँ पर देखो वापस वही है, यहाँ फेरस, यहाँ पर फेरस, तो ये तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, अभिक्रिया वही है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाम लिखा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है? अभिक्रिया इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा रहा है, कम कर रहा है। तो ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्प्रेरक विष। यहाँ पर ये क्या कहला रहा है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। तो ये जो बात कर रहे थे अपन उत्प्रेरक के बारे में, तो उत्प्रेरक के जो प्रकार थे सभी अपने पढ़ लिए हैं। अब देख लेते हैं उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं उत्प्रेरक के गुण, यानी उत्प्रेरक अपने लिए क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में भी, उत्प्रेरक के क्या क्या गुण है उसके बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला गुण है उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। तो अपने बात कर चुके हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या आपने ये बात की कि अभिक्रिया के वेग, यानी उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं? नहीं, अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, अभिक्रिया शुरू अपने आप होती है, उसके बाद में उसके वेग को बढ़ाते और घटाते हैं। दूसरा है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की पर्याप्त होती है, यानी उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में ही काम करता है। जैसे अपने मान लो कोई, मान लो 70-80 लीटर दूध है या उससे भी ज्यादा मान लो, तो उसको बन रहा है दूध, उसको पनीर में बदलने के लिए कितने नींबू के बूंदों की आवश्यकता होगी, नींबू के रस की आवश्यकता होगी, मुश्किल से 5-10 बूंद। तो देखो कितना ज्यादा दूध है, उसको पनीर में बदलने के लिए सिर्फ 5-7 बूंद, तो ये इसको मतलब उत्प्रेरक की बहुत थोड़ी मात्रा की जरूरत पड़ती है। तीसरा है उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए
प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक की जरूरत होती है, यानी सभी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि दूध से पनीर बना रहे हैं तो भी नींबू डाल रहे हैं, दूध से खीर बना रहे हैं तो भी नींबू डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है सभी अभिक्रियाओं में एक जैसा ही उत्प्रेरक नहीं मिलाना है, सभी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो अपन बात कर चुके हैं अभिक्रिया को शुरू नहीं करते उत्प्रेरक, अच्छी तरह याद रखना है ये। सिर्फ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, यानी बढ़ाते और घटाते हैं, अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकते उत्प्रेरक। उसके बाद अगला पॉइंट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। अपन जो बात की थी ए प्लस बी से क्या बनता है, मान लो अगर सी प्लस डी बन रहा है तो ये वापस इस दिशा में चलेगी तो इस दिशा में भी उत्प्रेरक काम करेगा, वैसा का वैसा इस दिशा में भी काम करेगा। यानी इधर वेग को बढ़ा रहा है तो वापस ये इसमें बदलेगा तब भी वेग को बढ़ाएगा, यानी दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। उसके बाद लास्ट और अंतिम पॉइंट है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है, यानी एक निश्चित ताप होता है उस पर ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। कैसे, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। देखो अगर मान लो अपन दूध लेते हैं तो दूध मान लो एक तो उबल रहा है दूध, उसके अंदर नींबू मिलाएंगे पनीर बनाने के लिए तो तीन चार बूंद, मतलब तीन चार बूंद काफी होती है बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए। तो दूध उबल रहा है उसके अंदर डालो तो कितने मिनट लगेंगे, मुश्किल से तीन चार मिनट। और वही दूध ठंडा है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा दूध है, उसके अंदर तीन चार बूंदें मिला देंगे तो कितनी देर लगेगी, तीन चार घंटे लगेंगे। वो जो तीन चार घंटे लग रहे हैं उसके अंदर, और उस ताप पर क्या है, जब ताप बहुत ज्यादा है तब क्या हो रहा है, उसको कम समय लग रहा है, बहुत ही कम, वो तीन चार मिनट में ही हो रहा है। तो सब अभिक्रियाओं के लिए जैसे अलग अलग ताप होता है, अगर उस ताप पर उत्प्रेरक को मिलाएंगे तो वो अधिक क्रियाशील होगा, यानी जल्दी जल्दी कार्य करेगा। जो अपन करवाना चाहते हैं जितना वो उसका वही सही उपयोग करेगा, यानी जो अपन करवाना चाहेंगे वही कार्य करेगा। तो ये थे अपन इसके उत्प्रेरक के गुण। तो जैसा कि आप, ये लास्ट टॉपिक था उत्प्रेरक के गुण और ये पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। तो ये जो पार्ट तीन नंबर का था, एक ही पर्सन आएगा इसके अंदर से, तीन नंबर से बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तो ये जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और सबसे खास बात है कि जो इसके इंपॉर्टेंट पर्सन है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो उसको आपको देखना है और सॉल्व करना है। जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, देखिए ये पर्सन, जो कुछ पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक पर्सन को अच्छी तरह पढ़ना है, उनको उत्तर देने की कोशिश करना है, अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको दिए जा रहे हैं बोर्ड की तरफ से, जो नहीं है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। जो वो है जो पिछले कुछ सालों से जो आपके इस पार्ट में जो पूछे जा रहे हैं उनमें से, और जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो पर्सन है। तो प्लीज इसे सॉल्व जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आज की क्लास के बारे में बस इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।